में शहीद होने रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की सबसे प्यारी हदीस के साथ हाजिर हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हलाल की और हराम में फ़र्क नहीं रखते या वो हराम खाना चाहते हैं तो वो अपने लिए दोजख तैयार कर रहे हैं और वो हम में से नहीं है। इसी के साथ आज जो मैं आपको अमल रिस्क बताने जा रही हूँ, बहुत नायाब है। हर मकसद के हसूल के लिए ये वजीफा है। 1000 मरतबा रोजाना सूरह इखलास बाद नमाज इशा 3 दिन से लेकर 7 दिन तक आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जितनी भी बड़ी मुसीबत परेशानी, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा काम हो गया हो जिसमें आपको बहुत तकलीफ परेशानी है, दुख है, तो आपने ये वजीफा लाजमन करना है। कारोबारी परेशानी है, किसी से पैसे लेने हैं। मेरे पास बहुत सी ऐसी ख्वातीन आती हैं जिनके भाई शोहर बाहर सऊदीया में और बहुत बड़े बड़े इलाकों में जाकर, यानी अपने शहर अपने मुल्क से दूर हैं और वहाँ पर जाकर वो फंसे हुए हैं। उनके किसी ने कागजात जब्त कर लिए होते हैं या फिर उनके पैसे किसी ने मतलब कि अपने पास काउंट किए होते हैं, वो उनको देते नहीं। इतनी परेशानी होती है तो बहुत मुश्किल, वो बेचारी परेशान होती है। तो यकीन माने सिर्फ ये वजीफा मैं छोटा सा उनको बताती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो जरूर करती है तो वो जरूर कामयाब होती है। एक ये वजीफा मैं बताती हूँ, एक मैं सूरह अनाम की आयत नंबर 45 बताती हूँ। ये दोनों बहुत प्यारे वजीफे हैं। आपका कोई भी कहाँ भी कर्जा फंसा हुआ है, कोई भी ऐसी मुश्किल है, यकीन माने यहाँ तक कि खुदा ना खासा किसी के हाथ से किसी की मौत हो जाती है या कोई कत्ल हो जाता है और वो भी जेल में होते हैं या कोई परेशानी होती है। मैं सिर्फ इतना सूरह अनाम की 45 में याद बताती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं कामयाब होते जाते हैं। आप लोग भी ऐसा ही किया करें। सूरह अनाम की आयत नंबर 45 इसलिए है कि उससे जितनी भी परेशानियाँ और जितनी भी यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी कैंसर जैसी मोहलक बीमारी, एड्स जैसी मोहलक बीमारी को भी सूरह अनाम की आयत नंबर 45 से निकाला जा सकता है। ठीक है, वो उसको जो शख्स पढ़े और इंशाल्लाह जरूर कामयाब होगा। और ज्यादा नहीं पढ़ने, जितनी सिर्फ 1111 मरतबा, यानी 1111 मरतबा पढ़ने या 1111 मरतबा पढ़ने, सिर्फ इससे ज्यादा आप एक लफ्ज नहीं पढ़े क्योंकि फिर जो इसका ये इतनी जलाली है कि मुझे भी, मैं बहुत कम लोगों को देती हूँ लेकिन मुझे भी बहुत डर लगता है क्योंकि मैंने इसकी जुकात अदा की तो मैं इसको दे सकती हूँ। आप लोगों को मैं दे रही हूँ तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना? तो आप इसको जरूर पढ़ें अगर कोई ऐसा मसला है तो, लेकिन जितना मैंने क्वांटिटी बताई इससे ज्यादा आप एक लफ्ज नहीं पढ़ेंगे वरना नुकसान हो सकता है दूसरे का, किसी दूसरे का, ठीक है, आपका नहीं किसी दूसरे का नुकसान होगा। और जो अब मैं आपको अमल बताने जा रही हूँ, मेरा ख्याल है सूरह अनाम की सूरत के बारे में काफी मैंने बता दिया है, वजीफा लंबा हो जाएगा। ये वजीफा मैं आपको दोबारा दूसरी वीडियो में बताऊंगी, लेकिन सूरह अनाम की सूरत आयत नंबर 45, ठीक है, फकुतिया ताबिरु कुमल्लजीना ज़लमु वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये आयत मुबारक है। आप जब कुरान पाक खोलेंगे तो सारा आयत मुबारक को किसी पाक साफ कागज के ऊपर लिख लीजिएगा और फिर पढ़िएगा, अच्छी तरह याद करके पढ़िएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कामयाब होंगे। हर मकसद के लिए इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए।